नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हम मेरे चैनल ममाज किचन में। जी हाँ, आज आपके लिए नई नहीं है, आप सबको पता है और सबको बहुत पसंद है, वो डिश है, एक स्नैक है, इंडियन स्नैक जो यूनिवर्सली सबको बहुत पसंद है। एनी गेसेस? शायद आप सही सोच रहे हैं, समोसा। जी, घर पे कैसे बनाएं और इजी तरीके से और क्रिस्पी भी बने, अच्छा बने, इसके लिए आपको ममाज किचन में चलना पड़ेगा। तो जो समोसा है वो हम लोग सोचते हैं शायद इंडियन स्नैक है, पर ऐसा नहीं है, ये मिडिल ईस्ट से आया था। वहाँ से कुछ जो व्यापारी हमारे यहाँ आते थे भारत में, तो रास्ते के लिए वो खाना या भोजन लेकर नहीं चलते थे ज़्यादा, और क्योंकि लंबा होता था बहुत रास्ता, तो उसमें उनको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए थी जो काफ़ी दिन चल सके। तो ट्रायंगल शेप में, तिकोने आकार में एक तरीके के बिस्किट्स होते थे जिसके अंदर कुछ फिलिंग भरा रहता था, और उनको फिर वो जहाँ रुकते थे रात में, जहाँ भी पड़ाव पड़ता था वहाँ पे वो लोग आग जलाते थे और उसमें गर्म करके खा लेते थे। उसको उस समय शायद वो लोग समबोसा बोलते थे, बी समोसा नहीं, समबोसा। तो उसके बाद फिर वो यहाँ भी आते थे, भारत आते थे, तो यहाँ के लोगों को भी समझ आया। इस तरीके से उसका नाम बदलते बदलते अब वो समोसा कहलाने लगा। तो शायद मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ये स्नैक पसंद ना हो। यूनिवर्सली इट इज लाइक बाय एवरीवन। और चाय के संग जो नाम आता है सबसे पहले, तो समोसा, चाय समोसा, और शाम के टाइम ही इसको खाते हैं। वैसे तो आपकी मर्जी, आप जब भी बनाए जब तब खाएं। और इसको बिहार और बंगाल में सिंघाड़ा भी बोलते हैं। नाम तो बहुत तरीके के होते हैं अकॉर्डिंग टू द रीजन, पर उत्तर भारत में और दिल्ली साइड इधर सब समोसा ही बोला जाता है। तो अब कोविड टाइम चल रहा है, बाहर से का सामान खा नहीं सकते, तो हम आज घर पे बनाते हैं सबके लिए, सबका दिल जीतने के लिए समोसा। लेट्स मूव टू ममाज किचन टू नो हाउ इज इट मेड विथ वेरी इजी स्टेप्स। एंड ट्रिक कुछ नहीं होती है खाना बनाने में, आपका जो प्यार है ना वो ही सारे मैजिक कर देता है। जब आप मन से बनाएंगे कोई भी चीज़, तो उसमें जो आपका मन है ना, जो प्यार है, बस वो सब चीज़ें पूरी कर देता है। तो चलिए लेट्स मूव। और इस समोसे में एक चीज़ और बताऊँ कि बहुत तरीके की फीलिंग्स भरी जाती हैं। जो नॉनवेज लोग हैं वो लोग अपने तरीके से भरते हैं, मुझे उसका आइडिया उतना नहीं है, पर बहुत से लोग मटर का बनाते हैं, कुछ उसमें चीज़ भर के भी बनाते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वो आलू वाला समोसा। तो आज हम वही बनाएंगे, चलिए चलते हैं, देर किस बात की। हेलो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द न्यू अपडेट्स। एंड कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना मत भूलिएगा, क्यों? क्योंकि मुझे इंतजार रहता है। थैंक यू। आज हम बनाएंगे समोसा, सबको पसंद है, सबको अच्छा लगता है, सबसे बढ़िया चाय के साथ का साथी समोसा, चाय और समोसा। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं 2 बॉल मैदा, ऑयल फॉर फ्राइंग, आलू भरने के लिए, मटर, जिंजर और ग्रीन चिलीस। इसके लिए सबसे पहले हम आलू बॉईल कर लेंगे और उनको मैश करके रख लेंगे। और 2 बॉल मैदा ले लिए हमने, ये देखिए, अब इनको इसको हम माड़ेंगे। 2 कटोरी मैदा, उसमें हमने ऑयल डाला है एंड सॉल्ट, इसको हम मार लेंगे विद लिटिल वाटर, ना बहुत सॉफ्ट ना बहुत टाइट।
जितना अच्छा आटा लगेगा उतना ही अच्छे से मिक्स होगा। देखिए अभी हम इसको ढक के रख देंगे और फिर मसलेंगे फॉर हाफ एन आवर। इसमें हमने एक स्पून ऑयल एज यूजुअल मस्टर्ड ऑयल डाला है, डेढ़ स्पून जीरा, हींग, दिस इज ग्रीन चिली, कट इट एंड पुट इट, रेड चिली एंड दिस पीस, इन आलूओं को हमको खूब भूनना है, जितना भूनेंगे उतना ही उसमें स्वाद आता है, तो इसलिए देखिए कम ऑयल में ही भूना है। आलू हमारे ज़्यादा हैं और मटर और जिंजर मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है, पर आप ज़रूर डालिएगा, और धनिया भी। देखिए मैंने फिर इसमें नमक डाला है और इस स्वाद अनुसार डालिए नमक, थोड़ा तेज़ ही डालिए क्योंकि मैदा में भी हमने नमक डाला था, इसलिए ये आलू का जो मिक्सचर है थोड़ा तीखा होना चाहिए, चटपटा। तो इसमें हम चाट मसाला भी डालेंगे, गरम मसाला भी डालेंगे, और ये देखिए ये मैंने गरम मसाला डाला है और खटाई भी डाली है जिससे उसका स्वाद खूब चटपटा हो जाए। ये देखिए चाट मसाला डाला, अब हम इसको खूब मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे। समोसे का ओरिजिन कहाँ से हुआ था आपको पता है? मिडिल ईस्ट से जी, इंडिया का नहीं है ये, मैंने आपको पहले भी बताई थी ये बात जी। हाँ इसको देखिए हम भूनते रहेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे आप इसको भूनेंगे तो एकदम बहुत सौंधी खुशबू आने लगती है, और जब आप समोसा भी खाएंगे तो आपको अंदर का जो मिक्सचर है बहुत ही स्वाद लगेगा। बिल्कुल मैश करते हुए गुठले नहीं होने चाहिए आलू में के बिल्कुल भी, क्योंकि हम जब उसमें भरेंगे तो बढ़िया टेक्सचर आना चाहिए। ये देखिए कितना बढ़िया आलू लग रहा है इस समय। मिर्च अगर आप और तीखी खाएं तो मैंने तो एक ही डाली थी, आप उसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। खूब अच्छे से भून के हम इसको अलग निकाल लें। ये जो हमारी मैदा हमने माड़ के रखी थी इसको हम एक बार दोबारा अच्छे से एक सा कर लेंगे, दोबारा उसको स्मूथ करना है। जितनी अच्छी मैदा मड़ी होगी उतने ही अच्छे समोसे बनते हैं, ये तो किसी भी चीज़ के लिए नोन है कि आप अच्छे से गुथा हुआ आटे की रोटी भी बहुत अच्छी बनती है, इसीलिए इसके समोसे भी बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए खूब अच्छे से उसको हम मसल मसल के एकदम एक सा कर लेंगे, इससे उसमें जब हम बेलें तो बिल्कुल स्मूथ बने। ये देखिए मैदा एकदम बहुत बढ़िया गुद गई है, इसको देख लीजिए आप, ना बहुत कड़ी है और ना एकदम पतली। इसको अब हम गोले बनाएंगे। हमने इमली का पल्प निकाल लिया था आधा कटोरी, उसको हमने बॉईल करने रख दिया है पानी मिला के। उसमें हमने गुड़ दो टुकड़े डाले बड़े वाले, और सारे मसाले डाल के उसको हम बॉईल करेंगे और चटनी बन जाए। हमने लोइयां बना ली थी उसको अब हम बेलेंगे। ये देखिए अब मैं किस तरीके से बेल रही हूँ,
जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरह से, पर बहुत पतला नहीं बेलना है। और पहले हम बेल के सब में समोसे बना के रख लेंगे, तलेंगे बाद में, फ्राई हम बाद में करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से बेला जा रहा है, क्योंकि उसमें ऑयल पड़ा है इसलिए वो आटा चिपकेगा नहीं। अब हम इसको नाइफ से इसके हम सेंटर में सेंटर से काट लेंगे। ये देखिए मैंने काट लिया है, और पानी लगाएंगे चारों तरफ। पानी से उसकी जो बंद करते हैं तो अच्छे से बंद हो जाता है, चिपक जाता है। ये देखिए दोनों कोने एक तरफ से मिलाए और ऐसे दबा दिया। और फिर अब हम इसमें आलू भरेंगे, जो हमने आलू का मिक्सचर बनाया है फ्राई करके उसको, और अच्छे से भरेंगे, जगह नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी नीचे को, नहीं तो जगह छूट जाती है, दबा के, जिससे पूरा समोसा बहुत बढ़िया फिलिंग वाला बने। और जो जोड़ है उसको हमेशा हम बीच में रखेंगे, साइड में नहीं। ये देखिए बीच में रखा है, और कोने सारे इसके जो कॉर्नर्स थे वो दबा दिए हैं। ये देखिए, और नीचे रख के भी हम इसको ऐसे थोड़ा प्रेस कर देंगे, जिससे अच्छे से बिल्कुल बंद हो जाए और खुले ना। ये हमने बना लिया इसी तरह से। अब हम इसको दूसरा भी हम बनाएंगे, चारों तरफ पानी लगाएंगे पहले। आराम से काम करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी शैतान का काम। तो हमें काम अपना अच्छा रखना है ना, बढ़िया समोसे भी तो आप ही खाएंगे फिर। ये देखिए इसी तरीके से हम सारे समोसे बना के रख लेंगे, तो हमारा काम आसान हो जाता है। सब हमारे पास तैयार है स्टफ्ड, फिर हम उसको धीरे धीरे एक एक दो दो चार चार करके फ्राई करेंगे। ये देखिए इसकी फिलिंग को मैंने बंद कर दिया, बिल्कुल मुंह उसका बंद हो गया। समोसे का ट्रायंगल समोसा क्या मस्त बना है, घर में बैठ के खाइए, बनाइए और फिर बताइए जी। ये देखिए इसी तरह से सारे समोसे हम, ये देखिए मेरे सब समोसे भर के तैयार कर लिए हैं, उनको अब हम सेकेंगे। जी हाँ, तेल मेरा गरम था, कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा तेल हम गरम करेंगे, और उसमें हम धीरे धीरे तीन या चार से ज़्यादा मत सेकिएगा, नहीं तो वो फिर अच्छे से सिक नहीं पाते हैं। और कोई बात नहीं, आपकी बड़ी कढ़ाई हो, ज़्यादा तेल डाला हो, तो आप पाँच छः भी सेक सकते हैं, बट बेस्ट होता है चार चार सेके जाएं। और इसमें बिल्कुल स्लो गैस रखेंगे, और डालने के बाद एकदम नहीं चलाएंगे, थोड़ी देर के बाद पलटेंगे, क्योंकि मैदा है, इट टेक्स टाइम पकने के लिए, उसको थोड़ा टाइम लगता है। और ये देखिए मैंने 5 मिनट के बाद उसको पलटा है, क्या बढ़िया बन रहे हैं, देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। जब आप खुद बनाएंगे, अपने हाथों से बना के खिलाएंगे घर वालों को, तो बस पूछिए मत, आप ही की प्रशंसा होगी। इतने बढ़िया समोसे अब तो हम बाहर के खाएंगे ही नहीं, तो आप घर पे बनाइए फिर। बिल्कुल हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेकेंगे। देखिए स्लो गैस है, तो धीरे धीरे वो सेक रहे हैं। इनको बिहार और बंगाल में क्या बोलते हैं पता है आपको? सिंघाड़ा। जी सिंघाड़े, अपने फल सिंघाड़ा भी देखा होगा, वो भी ऐसे तिकोने टाइप होता है, इसीलिए शायद ये नाम रखा है। पहले भी मिडिल ईस्ट से जब लोग यहाँ व्यापार करने आते थे, व्यापारी लोग, तो वो ऐसे तिकोने बिस्किट टाइप लाते थे, उसमें कुछ फिलिंग्स होती थी, तो रास्ते में खाने तो नहीं ला सकते थे, बहुत दूर होता था रास्ता, लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। तो वो जब भी कहीं रात में रुकते, अपनी आग वाग जलाते, तो उसमें उसको गर्म करके खा लेते थे। तो ये मिडिल ईस्ट का हमारा प्रोडक्ट है समोसा, पहले इसको सम्बोसा भी बोलते थे, फिर धीरे धीरे उनका उसका नाम बदल के अब वो समोसे के तरीके से मशहूर हो गया है। या ये कहिए कि पहले का नाम सम्बोसा था, और अब उलट पुलट होके वो समोसा बन गया है। जी सिक्के तैयार हैं,
क्यूट समोसा मैं आपका माउथ से भी अब तो दिखा नहीं रहा है। एकदम समोसे बिल्कुल रेडी हैं। सॉस और चटनी आपने बनाई है, उसके संग परोसिए, खिलाइए और मज़े से बताइए मुझे आपको कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।